तो ये रहा हमारे पास माइक्रोमैक्स इन नोट वन का बॉक्स, कुछ इस तरीके का ये बॉक्स दिखता है। बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा मोबाइल माइक्रोमैक्स इन नोट वन। जी हाँ, इसे हम यहाँ पे थोड़ा साइड में रखते हैं। अगर हम बात करें इसके बॉक्स कंटेंट की, तो सबसे पहले जो ये देखने को मिलता है ये है भैया सिम इजेक्शन टूल। जी हाँ, और इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स गाइड है जिसे हम साइड में रख देते हैं। ये थोड़ी सी कह सकते हैं पैकेजिंग जो है वो थोड़ी सी चीप क्वालिटी की है, कोई नहीं, इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर भैया ये है एक टाइप सी केबल, आप देख सकते हैं ये एक टाइप सी केबल दी गई है। और ये रहा 18 वाट का चार्जर। जी हाँ, ये एक फास्ट चार्जर 18 वाट का जो कि बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। इसकी टेस्टिंग हम बाद में करेंगे, इसे थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने मेन जो फ़ोन की। जी हाँ, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार का आता है, इसे हम निकालते हैं रैपर से। ओके, ओहो तो यहाँ पर भी ये सारी पन्नियाँ हमने उतार दी हैं, तो फ़ोन कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है। इसे हम जल्दी से करते हैं बूट और फिर बात करते हैं कुछ चीज़ों की। तो हमारा मोबाइल पूरी तरीके से भैया बूट हो चुका है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक हमने सेट कर लिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट करेंगे इसका फिंगरप्रिंट। जी हाँ, इसे लॉक करते हैं और यहाँ पे ये अनलॉक हो गया। जी हाँ, इसे लॉक करते ही यहाँ पे लगाते ही अनलॉक हो जा रहा है, काफ़ी जल्दी अनलॉक हो जा रहा है। अब बात कर लेते हैं भैया फेस अनलॉक की, ये किस तरीके से काम करता है। अगर हम इसे लॉक करते हैं और ये अनलॉक हो गया, मतलब थोड़ा सा डिले है ये, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है फेस अनलॉक, लेकिन भैया फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ की इस पे कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं, इसकी डिस्प्ले को लेकर। जी हाँ, इसमें मल्टी टच का प्रॉब्लम है, मतलब कि दो फिंगर ही काम करती हैं टच करने पर, अगर तीन लगाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत आती है। ये कई लोगों का कहना है, कई बड़े बड़े यूट्यूबर ने अनबॉक्सिंग करी है तो उन्होंने बात की है, तो इसी की हम भैया टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास भैया एक और स्मार्टफोन है, जी हाँ, इसमें भी टेस्ट करने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी M31। जी हाँ, इसे भी यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारे पास दोनों में ही हमने ऐप डाउनलोड कर रखा है मल्टी टच चेक करने का। जी हाँ, इन दोनों को ऑन कर देते हैं। ये है हमारा माइक्रोमैक्स इन नोट वन, जी हाँ, और ये है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31। सबसे पहले क्या करेंगे, दो उंगलियाँ रखेंगे यहाँ पे, दो उंगलियाँ रखते हैं। जी हाँ, दोनों ही सही काम कर रही हैं, यहाँ पर भी दो रखते हैं। जी हाँ, दो काम कर रही हैं। अब यहाँ पे तीन रखते हैं, यहाँ पर भैया तीन काम कर रही हैं। अगर हम इधर रखते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, यानी कि माइक्रो मैक्स जो मोबाइल है उसमें दिक्कत यहाँ पर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर हम थोड़ा सा उठा के दिखा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हम सैमसंग गैलेक्सी M31 की बात करें तो यहाँ पे भैया तीन लगाएंगे, तीन काम करती हैं, पाँच लगाएंगे, यहाँ पे पाँचों वर्क कर रही हैं। यहाँ पे अगर हम 10 लगाते हैं इस तरीके से, देखिए ये हम कुछ कोशिश करते हैं 10 लगाने की, शायद 10 लग चुके हैं, क्योंकि एक दो इधर उधर हो जाती है ना। तो यहाँ पे सारी की सारी वर्क कर रही हैं, 10 डिटेक्ट कर चुकी हैं, यहाँ पे जो है डिटेक्शन सिर्फ 2 की है। तो यहाँ पे मल्टी टच की प्रॉब्लम भैया एक्चुअल में इस स्मार्टफोन में देखने को मिली है। तो यहाँ पे सवाल ये खड़ा हो जाता है कि इसके अंदर जो मल्टी टच की जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ये कब तक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉब्लम जो है वो डिस्प्ले से नहीं है, इसकी डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो प्रॉब्लम है हार्डवेयर से नहीं है, ये है सॉफ्टवेयर से। जी हाँ, जब भी माइक्रोमैक्स चाहेगा तब अपडेट देगा और इसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगा। जी हाँ, ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर बात करें हम इनके अलग फीचर्स की जो इसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं, ऑन पेपर देखा जाए तो काफ़ी दमदार फीचर्स हैं। जैसे कि इसके अंदर बैक साइड में जो देखा गया है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा,
सेटअप दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का भी अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे माइक्रो सेंसर यूज किया गया है, 2 मेगापिक्सल यहाँ पे डेप्थ सेंसर यूज किया गया है। इनके फोटोज आपके सामने हैं, कुछ इस प्रकार के भैया इसने फोटोज निकाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार की डिटेल्स है, किस प्रकार की क्वालिटी है। बाकी हम एक भैया डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जिसमें एक्चुअल में पता चल पाएगा कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो किस प्रकार की होने वाली है। तो अगर बात करें हम यह इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहाँ पे भैया 16 मेगापिक्सल की पंच होल डिजाइन वाली यहाँ पे सेल्फी दे रखी है, जो कि काफ़ी कमाल की लगती है। फोटोज आपके सामने हैं, क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर बात करें हम ये इसकी परफॉर्मेंस लेवल की, तो यहाँ पे मीडियाटेक का G85 प्रोसेसर दे रखा है, जो कि काफ़ी कमाल का है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी बेहतरीन प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस होगी। मैं इसकी टेस्टिंग करूंगा, पबजी खेलूंगा, पबजी तो अभी नहीं आया लेकिन मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के देखूंगा किस प्रकार का है। आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है मैं फुल रिव्यू में ही बता पाऊंगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस लेवल काफ़ी बढ़िया है और इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड दे रखा है, तो कोई भी कचड़ा नहीं इसके अंदर, बिल्कुल क्लीन यूएस होता है, ओएस होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जी हाँ, यहाँ पे 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी दे रखी है, 18 वाट का फास्ट चार्जर है, बॉक्स के अंदर ही आता है, तो इसे हम चार्जिंग टेस्ट और ड्रेन टेस्ट करके देखेंगे एक्चुअल में कितने घंटे सर्वाइव कर पाता है और कितने घंटे में भी है ये फुल चार्ज होता है। जी हाँ, यहाँ पर अगर बात करें भैया इसकी डिजाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो डिजाइन के मामले में बैक साइड में आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्यारा डिजाइन लगता है। जी हाँ, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक ही दे रखा है, प्लास्टिक ही का फ्रेम है, लेकिन देखने में कतई ग्लॉसी शाइनिंग देता है, काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बात करें हम भैया फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड से भी काफी बेहतरीन लगता है। अगर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे भैया 3.5 mm जैक दिया गया है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है, यहाँ पे भैया आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भैया वॉल्यूम की बटन दे रखी है, अप और डाउन की, और यहाँ पे आप मिलती पावर लॉक अनलॉक बटन। इस साइड में आपको गूगल असिस्टेंट की स्पेशल बटन दे रखी है। जी हाँ, और यहाँ पे ऊपर मिल जाता है आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट। जी हाँ, यहाँ पे आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, तो स्मार्टफोन फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो भैया काफ़ी कमाल का मुझे लगा है। यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो है मल्टी टच की। जी हाँ, मल्टी टच की प्रॉब्लम ये सॉल्व होती है, कब तक होती है देखेंगे, बाकी अभी के लिए ये स्मार्टफोन मुझे काफ़ी सही लगा है, सिवाय एक प्रॉब्लम को लेकर। बाकी आप अपने विचार बताएं कमेंट बॉक्स में, ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा, क्या ये स्मार्टफोन 11,000 रुपये की प्राइस रेंज में ठीक है या नहीं है, जो भी आपके विचार है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आपको भैया ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप दाग दीजिए, और मैं आपके सवालों के जो हैं वो जवाब अगली वीडियो में दे दूंगा। अगली जो वीडियो आने वाली है वो भैया आने वाली है बैटरी ड्रेन टेस्ट की और चार्जिंग की। जी हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।